हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में वोर्टिसिटी का देखा था। आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है? यह एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें जो है पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू सेम होती है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, imaginary line, it is an imaginary line joining the points having joining the points having same value of potential function. तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। अगर ये लाइन है तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन तब होगा जब इसके पॉइंट पे जो है पोटेंशियल फंक्शन की सेम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल फंक्शन की सेम वैल्यू होगी तो हमारा ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगा। मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू है वो सेम होगी, यानी कि फाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इस लाइन में जो पोटेंशियल फंक्शन फाई इज कॉन्स्टेंट एलोंग द इक्विपोटेंशियल लाइन, द पॉइंट्स ए बी सी डी has the same value of potential function. In this line, the points A, B, C, and D has the same value of potential function. इसे हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। तो इसमें हमारा जो डी इसका इक्वेशन होगा डी फाई इक्वल्स टू डो फाई बाय डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो फाई बाय डो वाई इंटू डी वाई। ये हमारा इक्वेशन हो गया कि पोटेंशियल लाइन का, जहां पे डी फाई इक्वल्स टू माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। अब डी फाई देखिए, यहाँ पे डी फाई हमारा जो है वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यानी कि डी फाई चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन, तो फॉर एन इक्विपोटेंशियल लाइन डी फाई इक्वल्स टू जीरो। फॉर एन इक्विपोटेंशियल लाइन, डी फाई इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर डी फाई इक्वल्स टू जीरो है तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इक्वल्स टू जीरो माइनस और माइनस वी डी वाई इक्वल्स टू यू डी एक्स। तो हमारा इसका इक्वेशन आएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस यू बाय वी। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन।
तो ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन का टॉपिक। तो आज इसके टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।